तो हमारे इस जी जैसा ऑनलाइन कि क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज पेस्ट स्पेशल। हमारा एडवांस एक्सेल का दूसरी क्लास है और जैसा कि मैंने बताया था कि हर टॉपिक को मैं बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा, हर टॉपिक को हम बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में एक सिंपल सी चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे 20 और 30 मैंने लिखा, अगर मैंने 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट किया तो आपका 30 रिप्लेस बाय 20 हो जाता है नॉर्मल। लेकिन यही अगर मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ और इसमें मैं यहाँ ऑपरेशंस में ऐड ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, और जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होके यहाँ पे आपके सामने 50 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका यस ऑफिशियली यूज क्या है इसके बारे में हमें जानना था कि ऑफिस में आके कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए एक दो रिसर्च उन्होंने किया है उदय जी ने, कुछ और चीजें हम बताते कि मैं अपने ऑफिशियल लाइफ में क्या इस्तेमाल करता था। तो बेसिकली पहले उससे पहले हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर मुझे अपने सेल पे परसेंटेज 20% दिखना हो तो 20 और परसेंट का सिंबल हम देंगे तो आपका परसेंटेज दिख जाएगा। ठीक है, बैठो। लेकिन जी वही अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूं और उसके बाद परसेंटेज दूं तो 2000% हो जाएगा। मतलब कि सिस्टम वन वन इक्वल टू 100% लेता है। ठीक है, तो अगर मुझे बाद में परसेंटेज सेम में लगाना है तो हमें लिखना होगा 0.20। उसके बाद हम परसेंटेज सिंबल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20% शो होगा। 20%। ठीक है, अब यहाँ पे जी क्या सर, है कि हमारे कुछ कलीग थे जो कि परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे और डेटा नंबर फॉर्मेट में भेज देते थे कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और कॉपी किया और इसी में मैं वैल्यू पेश कर दूंगा। कर दिया सर। अब प्रॉब्लम है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर हम मैनुअल परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा कि 2323 जो है, मैं 2323 जो है उसमें हमें क्या करना होगा, 0.23 करना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि किसी अनदर सेल पे हम लिखेंगे 100, 100, और फिर इसको हम कॉपी करेंगे और जितना हमारा नंबर है उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे पास आता है पेस्ट एज ए डिवाइड। डिवाइड कर देगा तो हर नंबर डेसिमल में चला जाएगा, उसके ऊपर हम इजीली अपना परसेंटेज का सिंबल लगा सकते। तो रवि प्रकाश जी समझ में आया आपको, ये यादव जी सिंपल जी सर, समझ में आया। यूज है लेकिन किसी काफी ज्यादा टाइम बेस हमारा बच रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना जी, कि बहुत हाँ बहुत ज्यादा सर। मेरे पास कुछ नेम है और कुछ मंथ है, यहाँ रहते हैं, रुक जाइए। मैं कुछ डेटा सुनना, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। हेलो हेलो हेलो, हेलो जी ओ सॉरी सर, मोडम रीस्टार्ट हो गया, सर। मेरा मोडम रीस्टार्ट हो गया था सर।
आवाज आ रही है? हेलो रवि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर। हाँ सर, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं चल रहा सर। अभी चल रहा है? नो सर, वीडियो बंद हो गया है और आवाज आ रही है आपकी। वीडियो बंद हो गया, फिर माइज हो गया है क्या? अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन क्या दिख रहा है? स्क्रीन क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? हेलो अभी जी, आपको सही आ रहा है? यादव जी, आपको ठीक आ रहा है ना? जी सर, ठीक है। अभी प्रकाश जी, आपका ठीक हुआ? अभी हेलो। जी तो हमारे पास, आपके सामने जो डेटा दिख रहे हो, मेरे पास डेटा है, अब इस डेटा में आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग डेटा है। तो एक आपका सेल्स है, दूसरा आपका टारगेट है, ठीक है? एक हमारा सेल्स है और दूसरा टारगेट है। तो हम इसको कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं। फिर हम यहां पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसी में पेस्ट एज ए डिवाइड कर देते हैं। तो आप एक से ज्यादा पे डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप जो है एक कुछ से कुछ पे कर सकते हो, ठीक है सर? जी सर, मना आ गया आपको, प्रेजेंटेशन हो गया। और या ऐसा भी हो जी सकता है कि ये जो डेटा है आपका, ये डेटा आपका फॉर्मूला में हो, ये डेटा आपका किसी फॉर्मूले से उठ के आ रहे हो। बेटा प्लग लगाओ तो। अब मैं अब कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन फॉर्मूला रिमूव नहीं करना चाहता हूं। मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं लेकिन फॉर्मूला को रिमूव नहीं करना चाहता हूं। तो आप इसको कॉपी करें, याद रखें कॉपी करते समय। और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और इसी में आप डिवाइड कर दें, तो फॉर्मूला को रिमूव नहीं करेगा। फॉर्मूला को देखिए ब्रैकेट में रख के वो पेस्ट कर। इसका और भी बहुत सारे यूज आप अपने हिसाब से खोज सकते हैं। अभी प्रकाश जी, आप सब कुछ सही है आपका? हाँ जी सर, आई एम बैक नाउ सर। वो आज पहला दिन है ना, तो आई एम गेटिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कुछ पैचेस डाउनलोड कर रहा होगा, इसलिए तो हो सकता है बीच में डिस्टरबेंस हो। लेकिन अभी देखिए यादव जी जी सर। सबसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पुराने हैं इसलिए। ओके सर।
अब जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, अब इस नंबर को मैंने क्यूसी टीम को दिया क्रॉस चेक करने के लिए, तो उसने क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने के बाद बताया कि ये नंबर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है और यहाँ गड़बड़ है। तो मैं इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ हम पेस्ट एज ए यहाँ देखिए स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या हुआ कि आपका वही पेस्ट करेगा जो आपका ब्लैंक नहीं है, मतलब कि इसमें से मान लो कि 30 की जगह पे 60 करना है, 85 की जगह पे 80 करना है, तो नॉर्मल आपको मैनुअल एक एक करना पड़ेगा ना, तो स्किप ब्लैंक करेंगे तो जैसा मतलब कि जो डेटा है उसी को जाएगा, उसी सिक्वेंस में आएगा। देखिए ठीक है ना, इसे बेनिफिट है हमारा। अब कुछ डेटा मान लीजिए ऐसे है यहाँ पे कि जैसे नेम हुआ और मंथ यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल है, अब इसको हम वर्टिकल करना चाहे तो कॉपी करें, इसी पे आप राइट क्लिक करें पेस्ट स्पेशल और यही पे आप ट्रांसपोज कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, और वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल करना है तो वापस ट्रांसपोज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब बात करते हैं लिंक की, सेल लिंक की। जैसे मान लीजिए कि हमने इक्वल प्रेस किया और इसको सेलेक्ट किया तो ये आपके पास लिंक हो जाएगा, इक्वल प्रेस करते हैं लिंक है। क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, बस एंटर मारते हैं। लेकिन मुझे लिंक पूरा डेटा करना है तो कई बार इक्वल करने से नहीं होता, इक्वल करके ड्रैग करने से वो आपका सही तरीके से नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल में हमारे पास पेस्ट एज ए लिंक होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने लिंक हो गया। ठीक है सर, अब ये सेम सीट अनदर फाइल पे लिंक कर सकते हैं, आपका लिंक हो जाएगा। जैसे डेटा आप चेंज करेंगे वहां भी आपका डेटा चेंज हो जाएगा। हरि प्रकाश जी एंड यादव जी, यस सर तो ये लिंक का अच्छा काम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक डेटा, आपका एक रिपोर्ट फाइल से 5 सीट है, पांचों सीट पे आपको डेट लिखना होता है, ठीक है ना। हर दिन आप डेट चेंज करते हैं, एवरी डे आप अगर डेट चेंज करते हैं तो आपको 10 सीट पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करें 10 सीट को लिंक कर दें एक सीट से, बस एक को चेंज करें बाकी 10 अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एडवांस पेस्ट स्पेशल में आता है पिक्चर लुकअप, ठीक है ना। लेकिन पिक्चर लुकअप थोड़ा सा एडवांस है तो वो हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे भी 8 बजने वाले हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम हो चुका है, आज थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी और आज कुछ लोग नहीं थे इसलिए, तो हम कल कर लेते हैं पिक्चर लुकअप। ऐसे आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो पिक्चर लुकअप